सर मैं अभी अभी नहीं था। अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि मगरवारा रेलवे स्टेशन के सामने एक प्लॉट में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस थाना कोतवाली और मैं स्वयं मौके पर आया हूँ। एक लगभग 28-30 वर्षीय महिला है जिसने पैरों में दो बिछुए भी पहने हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह विवाहित है। उसका मुंह जलाया गया है ताकि उसकी शिनाख्त न हो पाए, छिपाने का प्रयास किया गया है। अभी इस प्रकरण की जांच की जा रही है। सर्वप्रथम महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जाएगा कि महिला की आइडेंटिटी क्या है, तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही तदनुसार की जाएगी। उन्नाव में महिला अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार योगी सरकार भले ही महिला सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन उन्नाव में महिला सुरक्षा के नाम पर लगातार महिला अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं उन्नाव के मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यही वो जगह है जहां पर महिला की लाश पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह महिला की शिनाख्त छिपाने के लिए महिला की हत्या हुई है, उसके बाद इसको बेरहमी से जला दिया जाता है। हालांकि मौके पर यहां पर पुलिस भी मौजूद है, छानबीन में जुटी है और महिला की शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है। खास बात ये है कि ये जो बॉडी है यहाँ पर काफ़ी समय से पड़ी हुई प्रतीत हो रही है। लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे, लोगों ने जो है पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात, शर्मसार कर देने वाली बात यह है, सूचना देने के बाद जब पुलिस पहुँचती है उसके पहले ही लाश के जो दाहिना हाथ है उसको कुत्ते बेरहमी से नोच रहे होते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जिस महिला सुरक्षा की बात की जा रही, क्या वाकई में यूपी में महिलाएँ सुरक्षित हैं? उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।